ਸਸਿਕਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਟ ਹੋਗੇ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅਮਨ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਨੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਐਕਟਸ ਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਕੇ ਲਈ ਕੋਰ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏਬਲ ਹੋਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਚਲੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਕੋ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੋ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਲੈਟਸ ਗੋ दोस्तों शायद ही ऐसा कोई वीडियो बनाया होगा भोजपुरी में क्या? लेकिन उससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देते हैं आपको वीडियो में कि आखिर होने क्या वाला है। और अभी भी उस दृश्य से क्या ही बोल दी लड़की। खैर किसको किसको समझ में आया वीडियो को पॉज करो और जाके कमेंट करो। लड़की पवन सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि अभी भी पवन सिंह सेम एनर्जी के साथ खड़े हैं। मतलब उम्र हो गया है लेकिन जवान दिखते हैं। लड़कियां कहने का मतलब ये होता है, लेकिन पवन सिंह का इशारा कहीं और इशारा कर देता है। और आदमी तो आदमी होता है, मैन बिल्कुल मैन। स्माइल तो देखो, तुम्हें शर्म है कुछ? हम हो सटा बुतू हो सटा। अच्छा भी मन करता है आपका? ये क्या बोल दिया भाई। खैर इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता ये है कि अक्षरा सिंह जो है ना, वो पहले खेसारी लाल यादव के साथ काम करती थी, ठीक। उसके बाद होता ये है कि खेसारी लाल यादव का अक्षरा सिंह से ब्रेकअप हो जाता है। बाबू ये पहनना, बाबू वो पहनना, बाबू ऐसा करो, बाबू ऐसा करो, बाबू जिम जाओ, बाबू यहाँ करो। तुम्हें शर्म है कुछ? फिर वो चली जाती है पवन सिंह के साथ काम करने। 18-19 का बात है। और इसमें इत्तफाक ऐसा होता है कि खेसारी लाल यादव के साथ इनको दोबारा काम करने का मौका मिल जाता है और अक्षरा सिंह ये गाना गाती है। और खेसारी भैया आपने तो रॉक हैं, कुछ ऐसा रिएक्शन पेल देते हैं। अच्छा, मन करता है आपका? दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तमाम तरीके के वेरिएंट है। मतलब ऐसा ऐसा गाना सुनने को मिलता है, बहिया में उठा के सैया मारेला कचा कच, लहंगा में खूटा ठोकाई। और इसमें ही हमें सुनने को मिलता है एक तगड़ा सा गाना, अब इस गाना सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ सूढ़ वाले गधा की बात हो रही है। अबे साले, लेकिन जानते हैं बात किस चीज का हो रहा है। अरे तुम लोग का सोच ही गंदा यार, भोजपुरी इतना तो अच्छा है। सुनो, सैया के 2 इंच बढ़ जाए गाना जो गाए हैं आप, इतना अश्लील गाना क्या कहना चाहते हैं? क्या दर्शक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्यों गाना गाया इतना गंदा? हम यही कहना चाहते हैं कि राइटर जी बोले थे कि गाना गंदा नहीं है। गाना में ये बताया जा रहा है कि उनका पति मतलब के बारे में बोल रहे थे। खैर एक बड़ा कमाल का भोजपुरी एक्शन सीन दिखाते हैं। इसमें लॉजिक मैं ढूंढूंगा, फिजिक्स तुम ढूंढना। जिकरा में दम होके वो इनके कुर्सी से उठा के देखे। अच्छा। वो, 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 वो। भाई ग्रेविटी कहाँ गई? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। दोस्तों तेज और बेवकूफ में एक धागे मात्र का डिफरेंस होता है। और जब भी ज्यादा तेजी दिखाने लगिएगा तो आप बेवकूफ बन जाइएगा। और वही अपने हाल ही में खेसारी भैया के साथ हो गया। क्या हुआ वो बताते हैं, और उसको बताने से पहले ये सुनिए। भैया जी चले थे पवन सिंह का इज्जत उतारने, लेकिन क्या बोला है? अब कायदे से यहाँ पे बोलना ये चाहिए कि खेसारी लाल यादव चाहे तो हर 9 महीने पे अपने घर में सोहर गवा सके, यानी कि वो बच्चा पैदा करने में माहिर हैं। वो ऐसा अपने लाइव वीडियो में कह रहे थे, लेकिन यहाँ क्या बोल दिए भाई।
तो डैडी फॉर टुडे गाइस, आज की इस वीडियो में हमने बस रिस्पांस चेक किया कि लोगों को ये वाला सेगमेंट कैसा लगता है। अगर अच्छा लगेगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, और इस शो का क्या नाम रखा जाए वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त यार वीडियो, मतलब जबरदस्त एंटरटेनिंग थी वो, एंड यार मतलब बातें करते हैं मतलब उससे आपसे एंटरटेनिंग वीडियो यार हो ही जाती है, एंड यार बातों बातों में एंटरटेन कर देते हैं हम लोगों को, एंड यार बहुत प्यारी वीडियोस होती है इनकी। आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। सो यार आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड मिलते हैं आपको अनदर एक्शन पर। धन्यवाद।